ये इंसान ने चाबी घुमा दी थी, अपने ट्रक्स ने हमको घेर लिया। टैक्स कैसा सा लगता है मुझे? बोला प्रतापगढ़ महाबलेश्वर, तीन जगह पे जाने के लिए कंपलसरी टैक्स। नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, लोकेशन तो बहुत ब्यूटीफुल है। Hey guys, welcome back to the channel Sky High. आज हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर एंड अभी बजे मॉर्निंग के 5 o'clock, हमको निकलना था 4 o'clock बट हम उठे ही 4:30 को है और ट्रैफिक आज बहुत ज्यादा होगा बिकॉज आज वीकेंड है एंड न्यू ईयर भी है। सो अभी हमारी पैकिंग हो चुकी है, शार्दुल ने आधा सामान गाड़ी में डाल दिया है एंड ये जैकेट लेना जरूरी है बिकॉज मुंबई में इसकी जरूरत नहीं पड़ती बट वहाँ पड़ेगी, इसलिए हम लोग जैकेट कैरी कर लिया है। सो लेट्स गो। बज रहे हैं एंड अभी थोड़ा सा उजाला है, अभी तक सनराइज हुआ नहीं है। विंटर्स में यही एक खासी बात है कि आप सनराइज देख सकते हो आराम से उठ के भी एंड शार्दुल का आइडियल सनराइज एंड सनसेट होता है पहाड़ों के बीच में, सो शायद पहाड़ों के बीच में हम देख पाएंगे सनराइज। हमें लगा था कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा पर लकीली अभी तक तो यानी हम ऑन द वे टू पुणे हैं, अभी तक हमें उतना ज्यादा ट्रैफिक मिला नहीं है। ड्राइव करने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत दिनों बाद मस्त फुल फ्लैश गाड़ी चला रहे हैं तो इट्स एंजॉयबल। हमें पुणे से निकले हुए 1 घंटा हो गया है, हमारा ये फर्स्ट स्टॉप है जर्नी पे, अभी 9 बज गए हैं एंड वी बीन ड्राइविंग फॉर लॉन्ग टाइम। सो ब्रेकफास्ट हमने गाड़ी में ही कर लिया था इसलिए हमने स्टॉप नहीं लिया, बहुत टाइम बाद हमने एक ब्रेक लिया है, सोचे कि वॉशरूम अच्छा हो तो देख ले, अगर वॉशरूम अच्छा हो तो जाए यहाँ पे। मैकडी पीछे चला गया, उसके बाद हमको वॉशरूम आई है, मतलब मुझे वॉशरूम आई है। हम लोग यहाँ पे विठल कामत करके रेस्टोरेंट है यहाँ पे रुके, अब हम लोग जाके देखते हैं अच्छा होगा तो ठीक है। एक्चुअली हम लोग महाबलेश्वर में तापोला करके जगह है वहाँ जा रहे हैं, सो यहाँ से 2.5 hour बता रहा है। Let's see. ये इंसान ने चाबी घुमा दी थी, तब से चाबी ढूंढ रहे हो? होता है कभी कभी, मुझे लगा डस्टबिन में फेंक दी। होता है कभी, ऐसे नहीं हुआ कभी ऐसा? मैं तुम्हारे जैसे क्लमजी नहीं हूँ और केयरलेस भी नहीं हूँ। मैं क्लमजी नहीं हूँ, केयरफुली ऊपर रखा था केयरफुली ऊपर रखा था और ढूंढ रहे थे क्या? कहना चाहिए चाबी मिल गई। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, एक्चुअली वॉशरूम इतना अच्छा नहीं था तो शार्दुल ने जाके बताया कि वॉशरूम इतना क्लीन नहीं है, सो मैंने वो मैं जेंट्स वॉशरूम में गया था पहली बार। तो तू क्या वॉशरूम होता है वहाँ, अगर जेंट्स क्लीन नहीं होगा तो लेडीज का कहाँ से क्लीन होगा? नहीं, एकदम बोल दिया शार्दुल ने जाके बताया तो लोगों को डाउट नहीं सो इसलिए मैंने वॉशरूम जाने का प्लान स्किप कर दिया, मुझे वॉशरूम हाइजीनिक चाहिए अदरवाइज मैं नहीं जा सकती। तो आगे देखेंगे अगर मैकडी वगैरह मिलेगा कहीं तो हम लोग रुक जाएंगे, अदरवाइज 2.5 घंटे में तो महाबलेश्वर पहुंचने वाले। आज बहुत ट्रैफिक होने वाली है तो पता नहीं महाबलेश्वर जाने के बाद भी हमारा क्या हाल होता है, बिकॉज न्यू ईयर के वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने वाली है। ऐसा मैंने न्यूज में भी देखा था कि सब लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं न्यू ईयर पार्टी करने के लिए एंड वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम। I can see the whole world now, breathtaking wild, can't believe my eyes, up in the sky.
कशाची एंट्री फीस आहे का? दापोळ्याला चाललो ते डायरेक्ट आपण दापोळ्यात चाललो ना, इथे नाही थांबलं तरी टॅक्स लागतो. टॅक्स कशाचा लागतो म्हणजे इथे थांबायचं टॅक्स आहे कॉर्पोरेशन टॅक्स. ठीक आहे, कारण आपण आम्ही इथून दापोळ्याला जातो. कुठे चाललो? दापोळ्याला. नाही मी दापोळ्याला जातोय, ऐसा नहीं लगा. अभी जस्ट पता चला कि इसे महाबलेश्वर में अगर कोई रुकता है, महाबलेश्वर है पंचगनी, तो यहाँ पे पोल्यूशन टैक्स लगता है 50 rupees पर पर्सन. बट अगर महाबलेश्वर से आप सिर्फ पास हो रहे हैं एंड इफ यू गो टू लेट्स से इफ यू गो टू तापोड़ा और सम प्लेस, सो जो महाबलेश्वर में रुक नहीं रहे उन लोगों को टैक्स नहीं लगता है. सो उन्होंने पहले हमें रिसीप्ट दी 100 rupees की, हमने कहा हम तापोड़ा जा रहे हैं, तो फिर उन लोगों ने हमारी रिसीप्ट वापस ले ली और पैसे वापस कर दिए. स्पीड 20 से 30 के बीच में ही चल रहा है, उसके आगे बढ़ा ही नहीं है. यहाँ पे सिंगल लेन है, दोनों साइड से गाड़ियाँ यही स्पीड से चल रही है और लाइन लगी हुई है गाड़ी के सामने. यस, और हमको 30 किलोमीटर से अभी 31 किलोमीटर एक घंटा बता रहा है. और एक्चुअली मेन रीजन ये हो सकता है, अभी न्यू ईयर का वीकेंड है ना, तो सब लोग न्यू ईयर बनाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं पुणे से, मुंबई से, हर जगह से. और पिछले 15 मिनट से यहाँ पे ट्रैफिक में अड़के हैं, यहाँ पे कुछ चीज का कलेक्शन हो रहा है. डोंट नो, शायद फिर से वो टैक्स या जो हमें लास्ट टाइम पूछा गया था वही फिर से कलेक्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है. वहाँ पे किसी चीज का वो लोग कलेक्शन कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज का है, किस चीज का टैक्स है, किस चीज की रिसीट है. तपोला प्रतापगढ़ महाबलेश्वर, तीन जगह पे जाने के लिए कंपलसरी टैक्स. तापोला के लिए लगता है टैक्स? हाँ सर, ये पर हेड और ये व्हीकल, ठीक है, पर पर्सन 25 है और व्हीकल 50 है सर. अच्छा ठीक है जी सर. तो फाइनली ये पता चला हमें कि महाबलेश्वर आने के लिए आपको टैक्स लगता है, ये टूरिज्म टैक्स लगता है, विच इज 25 rupees पर पर्सन, एंड जो कार या व्हीकल रहता है उसके लिए 50 rupees है. तो हमें जो पैसे वापस दिए गए थे वहाँ पे, वो हमने यहाँ पे वापस पे कर दिए. निकली रास्ता देखो कितना सा है और आगे से बस भी आ रही है. रात को यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं रहेगा, मैं यही सोचा हूँ. रात को हम आएंगे क्यों, हम दिन में जाएंगे, दिन में आएंगे जो भी लोग रात को आएंगे उनके लिए. और ऐसे पूरा जंगल वाला विदाउट स्ट्रीट वाला छोटा सा संकरा रास्ता है. सो महाबलेश्वर के आगे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, इंटरनेट नहीं है. एक्चुअली मैंने मैप शुरू रखा था एंड गलती से मुझसे बैक हो गया. उसके बाद मैं फिर से मैप लगाने जा रही थी तो बट डाउनलोडेड नहीं था, वो मैप बिल्कुल नहीं चल रहा. अभी हमको पुराने जमाने का तरीका अपनाना पड़ेगा, लोगों से पूछ पूछ के जाना पड़ेगा कि रास्ता कहाँ से आ जाता है, ऊपर से ये घाट है, ऐसे 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 रोड है. जब आप यहाँ पे आते हो एग्जैक्टली आप नेचर का फील लो विदाउट इंटरनेट. अब यहाँ पे इतने सारे बोर्ड लिखे हैं और हमारा इंटरनेट तो चल नहीं रहा. सो हमको मिल गया वो हमारे रिजॉर्ट का बोर्ड जल सृष्टि. कितना प्यारा लग रहा है, कुछ तो अच्छा लग रहा है आते आते देखने में. सो हमको फाइनली शायद कुछ मिल गया है, वरना हम भटक रहे थे. लोगों से पूछा हमने, उन्होंने बताया आगे है. लोग बहुत हेल्पफुल है, पर वो एक्चुअली शॉप के अंदर थे, उनको पूछा तो वो अलग से बाहर आके बताया उन्होंने कि यहाँ से और 3 किलोमीटर नीचे जाने का. अरे ये जल सृष्टि का बोर्ड, उसके पीछे बोर्ड के पीछे बोर्ड लिखा है पर एरो नहीं लिखा है. वाओ, लोकेशन तो बहुत ब्यूटीफुल है. फाइनली इसको ढूंढने के लिए हमने कितनी मेहनत की है. ये रहा जल सृष्टि एंड गाड़ी का लगाना है, अंदर डाल दो गाड़ी. सो ये था हमारा मुंबई से तापोला तक का सफर एंड हम लोग पहुंच गए हमारे रिजॉर्ट जल सृष्टि. यहाँ हमने बहुत एंजॉय किया एंड प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग एंड फॉर एनी रीजन इफ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज कमेंट डाउन बिलो, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग अवर व्लॉग्स. बाय.
nothing.